अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए अपने आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। रेडी हम हो गए हैं और जफर भाई का वेट हो रहा है। जैसे ही आते हैं फिर निकलते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम चलेंगे अपना जिस कंपनी में हम जा रहे हैं। एक्चुअली इंटरव्यू तो नहीं कह सकते, जस्ट सीवी सबमिट करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ अगर उन्होंने इंटरव्यू ले लिया, लास्ट टाइम भी हम लोग प्लान करके नहीं गए थे तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया, तो अगर उन्होंने उधर ही इंटरव्यू ले लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट डेट दे देंगे तो फिर हम वापस आ जाएंगे। अगर नेक्स्ट डेट दे दी, अगर सेम डे में उन्होंने बुलाया तो उसी टाइम उन्होंने बुलाया तो फिर उधर इंटरव्यू दे देंगे उनको। तो लेट्स सी गाइस, अभी चलते हैं, अपना सफ़र जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बिल्लियों को कबूतरों को खाना डाल दिया, अच्छे काम से सुबह का स्टार्ट करना चाहिए, तो अभी निकलते हैं, हो सकता है इनकी ही दुआएं लग जाएं। तो जफर भाई का वेट हो रहा है, पहुंचने वाले होंगे तो फिर आते हैं तो फिर निकलते हैं। तो गाइस जफर भाई आ गए हैं, तो अभी हम निकलने लगे हैं अपनी जर्नी पे, तो लेट्स गो। भाई जो कि शाये बहुत शाये करते हैं कि हमारी कोई वीडियो ना बना ले, तो आज उनकी प्रॉपर वीडियो बनेगी। सफर को हम इन शॉर्ट कहते हैं कैंदी हुंदी सी। ये लखनऊ से हैं लेकिन इनको हमने बराबर पंजाबी सिखा दिया। क्यों सफर जी? सही वाली बोलो ना, ऐसी नहीं। बस ये शारजा की बहुत प्यारी मॉस्क है, आई थिंक ये बड़ी मॉस्क में से भी एक है। मुजफ्फर भैया सही है। तो गाइस नाश्ता वगैरह हो गया और अभी हमारा सफर जारी है, तो इंशाल्लाह जल्द ही हम पहुंचेंगे अपनी मंजिल मकसूद तक, अपनी डेस्टिनेशन पे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सी वी सबमिट हो रही हैं, ऑलमोस्ट इस बिल्डिंग के 14 फ्लोर्स थे और ऊपर एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स भी थे, तो सब में जो है ना, एक मिनट आपको बताता हूँ कैसे हमने देखा कि यहाँ पे कौन सी कंपनी है। हमें नहीं पता था यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल हैं। तो गाइस ये देखिए, अभी हम लिफ्ट में हैं, तो मैंने कहा इधर से व्यू आ रहा था, क्यों ना व्यू भी कैप्चर किया जाए। तो गाइस क्या था कि हमें कंपनीज का नाम कहाँ से पता चला, लिफ्ट के जब हम एंटर हुए हमें किसी ने बताया कि इस बिल्डिंग में काफ़ी जो है ना वो कंपनीज के हेड ऑफिस हैं, तो आप उधर जाके देख लें। तो हम एंटर हुए, हमने देखा उधर बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि फलां फ्लोर पर ये कंपनी है, तो हमने के लिफ्ट के आगे वो बोर्ड लगा हुआ था, सब सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए थे जितने भी उस बिल्डिंग में थे, 14 फ्लोर बिल्डिंग में जितने भी कंपनीज थी इनके ऑफिस थे, हमने सब नाम नोट किए जो हमारे से रिलेटेड ऑफिस थे, तो वो नाम नोट करके कोई 12-14 नाम हमने नोट किए और हम लोग उस फ्लोर पे गए हैं, उस फ्लोर में जाके अपनी सीवी सबमिट किए हैं। तो यही मेरे ख्याल में अच्छा और जो है ना ठीक प्रोसीजर है जॉब फाइंडिंग के लिए। अगर आप लोग जाते हैं तो अगर आप पहले पता करें कि किस कंपनी में ज़्यादा हेड ऑफिस हैं या कौन से एरिया में, उस बिल्डिंग में जाएं और वहाँ पे जो बोर्ड लगे होते हैं, कई बिजनेस में तो शायद रिसेप्शन के पीछे बोर्ड लगे होते हैं लेकिन कई जगह उन्होंने सेपरेट बोर्ड भी लगाए होते हैं, तो आप बोर्ड पर पढ़ लें कौन कौन सी कंपनीज़ हैं वहाँ, तो वो कंपनीज़ के नाम पढ़ के उनके साथ फ्लोर भी लिखे होते हैं और आप उस फ्लोर पर जाके उनके ऑफिस में सीवी सबमिट करें, तो ये सबसे जो जॉब सीकर्स हैं यूएई में उनके लिए सबसे बेनिफिशियल जो वो प्रोसेस है या वे है वो यही है। अभी जफर भाई का कोई पर्सनल काम है तो अभी उनके लिए जा रहे हैं, उसके बाद वो काम करके, क्योंकि 2 बजे ऑफिस क्लोज हो जाएगा, वो काम करके तो फिर हम लोग जाएंगे फिर बिजनेस पे में, उधर भी कुछ सीवीज वगैरह सबमिट करेंगे इंशाल्लाह। वैसे नॉर्मली यूएई में नज़र नहीं आती वायर्स और ये पोल्स वगैरह, लेकिन ये यहाँ पे कोई पॉपुलेशन वगैरह नहीं है तो इस वजह से यहाँ से पास की हुई हैं इलेक्ट्रिकल केबल्स, मीन्स ओपनली पास की है, वरना आप जब चले जाएंगे मेन सिटी में तो आपको ऐसी कोई केबल नज़र नहीं आएगी, एक साइड एरिया है इसलिए इन्होंने ओपन रखी हुई है ये केबल्स।
जफर भाई का काम करके अभी हम जा रहे हैं वापस अपनी अकोमोडेशन में। तो बाकी जाना था बिजनेस पे भी, लेकिन प्रोग्राम हमारा चेंज हो गया तो आज नहीं जा सके। इंशाल्लाह प्लान है आने वाले दिनों में, कल परसों इंशाल्लाह फिर जो है ना जाएंगे और जाके सबमिट कराएंगे। मैं सीवी जफर भाई को दे दूँगा, वही सबमिट कर देंगे। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, अभी यहाँ से लेंगे अपना खाना, किचन से खाते हैं बिरयानी, मटन पुलाव खाते हैं। मटन में 3 दिन हो गए मटन खाना, कल भी 2 डिशेज़ मटन की खाई हैं और आज फिर मटन। मटन अच्छा मालूम है इतना? नहीं मालूम, रूम पे जाके खाऊंगा। तो हम यहाँ से लेंगे मटन पुलाव और जाके रूम में खाएंगे। तो गाइस किचन हम पहुंच गए हैं, तो यहाँ से पता करते हैं मटन पुलाव का। अस्सलाम वालेकुम भजन, मटन पुलाव है दे दें। तो गाइस एक मटन पुलाव करने लगे हैं, प्लान था मतंजन का, मीठे चावलों का भी, लेकिन वो आज नहीं बने हुए, वो आई थिंक सिर्फ फ्राइडे को, या फ्राइडे को बनाते हैं भाई मीठे मीठे चावल, फ्राइडे को बनाते हैं बस। हम अकोमोडेशन पहुंच गए और अभी हम खाने लगे हैं मटन पुलाव। तो गाइस बहुत मज़े की नींद आई थी, मैं तो खाना खा के सो गया था, अभी उठे हैं, टाइम 6 बज गया। इस टाइम मैं बैडमिंटन खेलता हूं, तो अभी फ्रेश होके मैं जाऊंगा बैडमिंटन खेलने के लिए। सो लेट्स गो। तो गाइस शटल ख़त्म हुए हुए थे, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट शटल लेने के लिए। तो गाइस मार्केट हम पहुँच गए हैं, तो चलते हैं अभी जाके शटल लेते हैं और फिर जाके खेलेंगे। डाटा केबल दे दो, 35 दिरहम का है। 35 दिरहम का इतना महंगा क्यों है भाई? ये दस्तरम वाला है। ये कौन सा? ये दस्तरम वाला, ऐसा ही मैंने आगे लिया है, लेकिन 35 का तो नहीं था, वो 20 दिरहम का लिया है। सेम सेम है। आप कब से? 2 सिर्फ मिल रहे हैं, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, लेकिन ये देखें 10 दिरहम के 3, ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये नहीं लेंगे, फिर यही प्लास्टिक ही ले लेंगे। देखते हैं प्लास्टिक ही लेते हैं फिर अभी। गाइस सेल फोन की बैटरी लो है और मैं जा रहा हूँ खेलने, ये आप चार्जिंग, आप लोग चार्जिंग पे रहें, मैं अभी खेल के आता हूँ। मैं गया था बैडमिंटन खेलने के लिए, जस्ट 2-3 गेम्स खेली हैं और फिर हमें चला गया खाना खाने के लिए। की मैं एक साथ खाना खाया हाउस ऑफ ब्रेड से, क्योंकि मुझे सिस्टम हैंड ओवर करना था, तो उसके लिए हैंड ओवर डॉक्यूमेंट्स बनाने थे, तो वो बना रहा था। तो मैं नहीं चाह रहा था कि आज जिस टॉपिक पे मैं वीलॉग बना रहा हूँ उसे डेविएट करूं, तो सोचा बाद में जाके एक्सप्लेन करूंगा। जैसे स्टार्ट में बताया था कि किस तरह से अपने लोगों ने जॉब सर्च करनी है, तो मैं आपको बता दूं, जो लोग जॉब सर्च करने आए हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम भी आए थे तो एक ही सीवी जो है ना वो हमने बनाई हुई थी और वो ही दे रहे थे। लेट्स सपोज अगर मैं अपने फील्ड से रिलेटेड बताऊँ, अगर साइट इंजीनियर है, प्लानिंग इंजीनियर है, क्यूसी इंजीनियर है, तो एक ही सीवी जो है वो हम सब के लिए अप्लाई कर रहे थे। जनरल जो मींस कि अगर सिविल इंजीनियर की सीवी है तो जनरली वो सब के लिए वही सीवी जो है वो अप्लाई कर रहे थे। लेकिन इसके लिए यहाँ पे यूएई में आपने जिस फील्ड में अप्लाई करना है आपको उसकी सेपरेट सीवी बनानी चाहिए और उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर आपने साइट इंजीनियर के तौर पर काम किया तो साइट इंजीनियर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपने किसी भी फील्ड में काम किया तो उससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस आप उसमें सीवी में मेंशन करें कि मैंने एज ए दिस पोस्ट काम किया और मैं इस पोस्ट के लिए आगे अप्लाई कर रहा हूँ। सो ये थी मेन थिंग जो नए विजिटर्स आते हैं, साथ हम खुद भी ढूंढ रहे हैं अभी, जब हमारा प्रोजेक्ट फिनिश है तो साथ में मैंने कहा चलो भाइयों को भी बताएं। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि जब भी आप विज़िट करें, विज़िट तो खैर अभी इन्होंने जॉब सीकिंग वीज़ा निकाला हुआ है यूएई में, तो जॉब सीकिंग वीज़ा लेके आप लोग आएँ तो बेटर है, क्योंकि विज़िट वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता, तो विज़िट भी 2 मंथ का, वैसे विज़िट वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे निकलना पड़ता है। आप उठें सुबह और निकलें और कंपनीज़ में सबमिट करें। बिजनेस बे में काफ़ी कंपनीज़ हैं, सिलिकॉन ऑफिस में, तो अबूधाबी में बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, तो आप इन जगहों पर निकलें। नो डाउट अबूधाबी बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन निकलना तो है। फिर आप अपनी सीवी जो है वो जैसे बताया कि स्पेसिफिक प्रोफेशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस उसमें डालें, ना कि आप अप्लाई कर रहे हैं किसी मटेरियल इंजीनियर के लिए और आपका एक्सपीरियंस साइट इंजीनियर का, तो मे बी वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा किसी पर।
ये मैं एक जस्ट एग्जांपल दी है, तो मज़ीद इसमें आने वाले वीलॉग्स में भी मैं कोशिश करूँगा कि चंद एक वीलॉग जो है वो मज़ीद इस पर बनाऊँ। तो लेकिन आज के वीलॉग में मुख्तसर सा ही बयान इनके जस्ट आउटलाइन दे दी आपको, ताकि कोई मुश्किल ना पेश आए, तो अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो मे भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो आई होप सो कि आज का वीलॉग जो है वो आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो आज का वीलॉग मैं यहीं क्लोज करता हूँ, अभी भी मुझे थोड़ा काम है ऑफिस का, फिर वो करूँगा और फिर मुझे सुबह जाना भी है, फुजेरा जाऊँगा सुबह इंशाल्लाह। सो आज का वीलॉग सिर्फ इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीलॉग के साथ इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।